तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं अमेजन नदी के बारे में कुछ अमेजिंग जानकारियाँ। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी और विस्तृत नदी अमेजन नदी के बारे में, जो कि दोस्तों दक्षिण अमेरिका के इंडीज पर्वतमाला से होकर निकलती है और पूर्व की ओर बहती है और जाकर अटलांटिक महासागर में मिलती है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। जी हाँ दोस्तों, यह आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ऐसे ही दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ के वर्षावन के बारे में। तो दोस्तों, अमेजन के वर्षावन दुनिया के सबसे बड़े जंगल हैं। जी हाँ दोस्तों, हम वर्षावन की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर अमेजन के वर्षावन में पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन उत्पादन में 20% से भी ज़्यादा योगदान देकर पर्यावरण संतुलन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पृथ्वी का फीफड़ा भी कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों, हम बातें करते हैं अमेजन की सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों, आप जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि अमेजन की 1100 से भी अधिक सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से 17 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर से ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हम बातें करते हैं अमेजन में मछलियों की 3000 अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और दोस्तों नई प्रजातियों की खोज लगातार होती रहती है वहाँ पर। ऐसे ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा अमेजन नदी में ही रहता है। और एक और बात हैरान करने वाली बात आपको बताती हूँ, अमेजन नदी पर कोई पुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, अमेजन नदी पर कोई भी पुल नहीं है। दोस्तों, इसकी चौड़ाई आप इसका फिगर देखने के बाद समझ जाओगे कि वहाँ पर कोई पुल बनाना संभव ही नहीं हो सका है। ऐसे ही अमेजन की जो तितलियाँ होती है, अमेजियन तितलियाँ जिन्हें बोलते हैं, वह कछुओं के आंसू पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के स्थायी नागरिक इस बात को जानते हैं कि अमेजियन तितलियाँ कछुओं के आंसू पीते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 3000 अलग अलग फल हैं जो कि वर्षावन में उगते हैं और खाने लायक हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।